जुलूस के लिए चला जाता है। वह झंडा लेकर के आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी बहन दरवाजा से खड़ी होकर अपने भाई को आंखों से निहारती रही थी। कुछ दूर जाने के बाद सिपाहियों ने उस बालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बालक रुका नहीं, परंतु आगे ही बढ़ते जा रहा था। सरकारी हुकुम के अनुसार वे बालक को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे। सिपाही भी मजबूर थे। सिपाहियों ने बालक को बहुत डराया, धमकाया, डंडों का प्रहार किया, डंडों से मारा, लेकिन बालक हिम्मत नहीं छोड़ा, साहस नहीं छोड़ा। वह आहत होकर गिर पड़ा, अर्थात डंडा की मार से वह जमीन पर बालक गिर पड़ा। उसके सिर और हाथ पैर में बहुत जोरों की चोट आई, लेकिन उस बालक ने हिम्मत अर्थात साहस नहीं छोड़ी और वह आगे की ओर बढ़ते ही चला गया। सिपाही भी बालक के पीछे पीछे जा रहे थे। बालक आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा था और उसकी बहन का मन अज्ञात भय से कांप रहा था, अर्थात अंदर ही अंदर उसकी बहन डर रही थी कि शायद मेरे भैया को रास्ते में कुछ ना हो जाए, और उसने भी भागते भागते अपने भैया के पास पहुंच जाती है। तब उसके भैया ने उसे तिरंगा झंडा को अपने हाथों से उसकी बहन में हाथ उसकी बहन के हाथ में दे देता है और वह बेहोश होकर के मूर्छित होना अर्थात बेहोश होना वह बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। और बहन अपने भाई को अपनी गोद में उठा लेती है और सहायता के लिए पुकारने लगती है। इसी बीच उसके माता पिता और कुछ अच्छे लोग अर्थात सज्जन लोग वहां पहुंच जाते हैं और बालक को अस्पताल ले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बालक ठीक हो जाता है और अस्पताल से वापस घर आ जाता है और उसके बाद पुनः बालक अपनी बहन, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ फिर देश की सेवा में फिर से जुट जाता है और देश की सेवा फिर से करने लगता है। तो यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि अपने देश की रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न है, बहन ने भाई को चुपके से क्या खिलाया? बहन ने भाई को चुपके से चना और गुड़ खिलाया। सिपाही कैसे थे? सिपाही निर्दयी थे, निर्दय अर्थात दया नहीं करने वाला। बालक का क्या नाम था? बालक का नाम अर्जुन था। तो इस तरह से इस कहानी में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो इस पाठ में इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें